अभी मैं हूँ उदयपुर में और अभी जा रहा हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट जो कि हिल टॉप पे है। उधर हिल टॉप पे है, चल रहे हैं उधर ही। अब बता दें सज्जनगढ़ फोर्ट को इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि जो मेवाड़ डायनेस्टी के राजा थे महाराणा सज्जन सिंह, उन्होंने इस फोर्ट को, इस पैलेस को इसलिए बनवाया था ताकि ऊपर से मानसून के जो क्लाउड होते हैं उसको आसानी से देखा जा सके, उसका नज़ारा लिया जा सके और नीचे में जो फतेह सागर लेक है उसका भी ओवरलुक दिया जा सके, साथ ही साथ उदयपुर सिटी का भी एकदम पैनोरमिक व्यू देखा जा सके क्योंकि ऊपर से सारा चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो स्पेशली ये जो पैलेस बनाया गया था, ये बनवाया गया था कि मानसून के जो क्लाउड्स हैं उनको देखने के लिए। और बनवाए कौन थे? मेवाड़ डायनेस्टी के जो राजा थे सज्जन सिंह, उन्होंने इसको बनवाया था। तो अभी हम चलने वाले हैं ऊपर, इधर साइड आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का है, तो अभी ऊपर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से फतेह सागर लेक का व्यू देखेंगे क्योंकि काफ़ी तगड़ा व्यू वहाँ से दिखाई देता है और वहाँ से आप क्लाउड्स भी देख सकते हैं। क्लाउड्स तो यहीं से दिखाई दे रहे हैं लेकिन वहाँ आप जाकर और नज़दीक से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है वो दिख रहा होगा हल्का हल्का उजला उजला। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं, चलते हैं। चारों तरफ से इधर आपको बता दें कि पहाड़ी ही पहाड़ी है यहाँ भी, इधर चित्तौड़गढ़ साइड और इधर उदयपुर साइड, जयपुर में भी पहाड़ था, इधर भी पहाड़ है। चलते हैं, इधर भी पहाड़ पे चढ़ेंगे और ऊपर एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ जो आपको ऊपर में उजला उजला दिखाई दे रहा है वही है मानसून पैलेस, ये सब पहाड़ी है तो हमें नीचे से चढ़कर ऊपर जाना है और उस साइड है आपका फतेह सागर लेक। अभी हम ऊपर जा रहे हैं मानसून पैलेस की ओर, तो हमें रास्ते में कुछ डियर दिखा है तो चल के पास से देखते हैं, काफ़ी सारे हिरन वगैरह हैं ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मानसून पैलेस इस पहाड़ी के, और उधर है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाना है, भैया लिफ्ट भी हैं तो अभी हम स्कूटी से भैया के साथ सोते हुए काफ़ी ज़्यादा ऊपर में, काफ़ी ज़्यादा बैक में तो दूर पड़ेगा, तो उधर से जा रहे हैं, काफ़ी तगड़ा व्यू है यहाँ से। तगड़ा व्यू मेनली ये व्यू पॉइंट है। अभी हमें और ऊपर जाना है। अभी हम मानसून पैलेस पहुँचने वाले हैं, नीचे से ऊपर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है, आप पैदल नहीं आ सकते। भैया मिले, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है, अभी हम ऊपर पहुँचने वाले हैं, और ज़्यादा ऊपर जाना है, काफ़ी ज़्यादा सही व्यू है ऊपर से। आ चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस यानी कि मानसून पैलेस। यहाँ पर इस पैलेस से जुड़ी कोई जानकारी दी गई है, एक तो फैक्ट एक DD UNO में दिया गया है कि जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑटोप्सी के कुछ दृश्य को यहीं सज्जनगढ़ पैलेस में फिल्माया गया था, कि जेम्स बॉन्ड मूवी का जो शूटिंग का जो कुछ सीन है वो यहाँ पर शूट हुआ था। बता दें कि इस पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने स्टार्ट करवाया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे अपने मृत्यु के बाद, तो इसके आगे का जो काम है वो महाराणा फतेह सिंह ने पूरा करवाया था। काफ़ी तगड़ा भी हुआ, इधर से भी दिखाता हूँ, इधर से आपको पूरा शहर दिखाई देता है, ये देखिए इधर आपका उदयपुर शहर बसा है, इधर का पैलेस है वो भाई साहब।
क्या व्यू है। और यहाँ पर बताया गया कि उदयपुर हमेशा से मेवाड़ राजा का शाही परिवार रहा है। और एक इस पैलेस के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से चित्तौड़गढ़ देखा जा सके, जो कि मेवाड़ का मतलब एंसेस्टर राज्य हुआ करता था पहले, मतलब उनका जो पुराना खानदान था वो उधर से ही स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा भी मतलब कहा जाता है कि इस पैलेस बनवाने के पीछे एक ये भी कारण था कि यहाँ से चित्तौड़गढ़ देखा जा सके। व्यू तो भाई साहब काफ़ी एकदम हिल के एकदम सबसे टॉप पे है ये। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पूरा मानसून पैलेस के ऊपर से है, आपको चारों तरफ कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। ये लेक वगैरह है उदयपुर में, आप जानते होंगे सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, काफ़ी सारा लेक्स है यहाँ पे, तो यहाँ से काफ़ी तगड़ा व्यू दिखता है। ये सारे जो फोटोज़ वगैरह आप देख रहे हैं ये मानसून पैलेस के अंदर में एक गैलरी में लगाया गया है। काफ़ी सारा ड्राइंग वगैरह है, प्लस में यहाँ जो पिक्चर्स वगैरह है काफ़ी चीज़ें पक्षियों का, पौधों का, पेड़ों का, क्योंकि जो मानसून पहले से इसके आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे दिख जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स वगैरह चिड़िया वगैरह रहते हैं। और नीचे में बायोलॉजिकल पार्क भी है, तो इसलिए आपको देखेंगे यहाँ पर तरह तरह के पेड़ वगैरह है, पक्षी है, उसके साइंटिफिक नाम वगैरह इस पर दिए गए हैं। अंदर काफ़ी चीज़ आपको देखने का मिल जाएगा, मोर वगैरह। और यहाँ पर जो आ रहे थे रास्ते में तो मोर वगैरह भी काफ़ी था, तो काफ़ी मतलब इधर एक तरह का दिया बायोलॉजिकल जो नेचर है, इधर नेचर में जो काफ़ी चीज़ें काफ़ी आपको एनिमल वगैरह दिख जाएगा, काफ़ी तरह तरह के पेड़ पौधे दिख जाएंगे। तो इसी को उसी के फ़ोटो वगैरह को गैलरी में लगाया गया है मानसून पैलेस के अंदर में। मानसून पैलेस के अगल बगल में जो वन्य जीव पाए जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये सांप है या भेड़िया वगैरह है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं कैसे शिकार करा, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक मूर्ति बनाकर स्कल्पचर बनाकर आप देख सकते हैं, इन सबको दर्शाया गया है पिक्चर के थ्रू, और फोटो भी है काफ़ी सारा। तो इन सब चीज़ों से इसी तरह से सबको दर्शाया गया, क्योंकि जो आप देख रहे हैं जो वन्य जीव है ये मानसून पैलेस के आसपास ही पाया जाता है, बहुत सारे बंदर वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। अंदर में कुछ प्रोजेक्टर शो वगैरह चल रहा था, तरह तरह के वन्य जीव आ रहे थे, उनका जो आवाज़ था वही सब दिखाया जा रहा था। जैसे देख सकते हैं ये मोर आया है, इसका आवाज़ मतलब इस तरह दिखा रहा था, आप वहाँ से रहकर ऐसे लगेगा कि आपके बगल में आपके सामने आए, ये सब प्रोजेक्टर से हो रहा था। तो इसका भी दिखाया और इसमें वीडियो बनाया, देख काफ़ी सही लग रहा था, तो मैंने वीडियो वगैरह भी बना लिया। तो अभी फाइनली पूरा पैलेस घूम लिए, ऊपर से पूरा व्यू वगैरह सब ले लिए हैं, अब जा रहे हैं नीचे, नीचे बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ घूमेंगे, भैया के साथ ही आज ज्वाइन किए, भैया को भी उदयपुर घूमना है तो उनके साथ ही आज पूरा घूमेंगे। तो चलते हैं अब।